गैस, हमने वेब डेवलपमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट किया था। आज यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में ये बताने वाला हूँ कि वेरिएबल्स किस तरह बनाते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, मैंने बनाए थे यहाँ पर वीडियोस, 47 वीडियोस बनाए थे। तो मैं यहाँ पर 48 जो वीडियो है मेरा, उसको मैं यहाँ पर फाइल बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर 48 बना दूंगा फाइल, tut48.html, ठीक है। और ये tut48 बनाने के बाद यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था इन ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, वो सब बातें हमने डिस्कस करी थी 47 वाले वीडियो में। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 48 वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग बॉयलर प्लेट के अंदर अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा, बाकी के जो अदर टैब्स हैं उनको क्लोज़ कर दूंगा और यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से हम लोग, जैसे कि हमने बात की थी कि हम या तो स्क्रिप्ट टैग लगाकर यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट, या फिर हम एक स्क्रिप्ट लगाकर और उसके बाद src इज इक्वल टू कोई फाइल का पाथ दे सकते हैं और वहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पहला वाला जो मेथड है उसको इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर div डॉट कंटेनर लिखने वाला हूँ और इसके अंदर मैं एक h1 लगा के लिख दूंगा दिस इज़ अ हेडिंग, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर div डॉट कंटेंट लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ लगा कर लिख दूंगा lorem 67, ताकि कुछ कंटेंट एटलीस्ट मुझे देखने को मिल जाए। और इसको जैसे ही मैं गो लाइव करूँगा तो आप लोगों को यहाँ पर लाइव सर्वर में ये खुलता हुआ दिख जाएगा। और यहाँ पर मैं जल्दी से इसको खोल लेता हूँ और यहाँ पर देखो दिस इज़ अ हेडिंग और ये दिख गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बनाना और किस तरह कंसोल में हम लोग कंसोल को खोल के उसके अंदर सारा का सारा आउटपुट देखते हैं, तो हमने बात करी ली है, ठीक है। अब कभी कभी ये फेव आइकन का एरर आता है अगर आपने फेव आइकन नहीं लगाया है, और इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आप एक बार और पेज रिलोड करोगे तो ये एरर चला जाएगा और इस एरर को इग्नोर करना अभी के लिए, अगर आप लोगों को मिल रहा है। अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल बनाना है तो आप वेर ए इज इक्वल टू और वेरिएबल का कंटेंट डालकर इस तरह कर सकते हो। वेरिएबल्स बिल्कुल ही कंटेनर की तरह होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल बनाया है ए इज इक्वल टू 78, वो एक नंबर को स्टोर कर रहा है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर वेर बी इज इक्वल टू और हैरी लिखकर इसमें स्ट्रिंग स्टोर करा सकता था। जब मैं डबल कोट लगाता हूँ तो वो स्ट्रिंग के लिए होता है और यहाँ पर मैंने बी इज इक्वल टू हैरी लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग ए करूँगा तो मुझे यहाँ पर ए दिखाई देगा, जैसे कि आप देख रहे हैं 78 मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बी करके सेव किया तो मुझे यहाँ पर हैरी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं कंसोल डॉट लॉग सी करूँगा तो मुझे एक एरर मिलेगा, बोलेगा सी कुछ है ही नहीं। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग ऑपरेटर्स देखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप लोग एक वेब डेवलपर हैं और बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं घुसना चाहते इनिशियली, अपनी इनिशियल स्टेज में मैं मानता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा ना घुसें प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि ज़्यादा प्रोग्रामिंग के अंदर घुसेंगे तो आप जो मेन आपका है वेब डेवलपमेंट का फंडा, वो आप लोग स्ट्रांग रख के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ये सब चीज़ों में इनिशियली मत घुसना जावास्क्रिप्ट में। पहले एक बेसिक वेबसाइट बनाना सीख जाना और उसके बाद आप बिल्कुल जाना एडवांस लेवल पे, मैं मना नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा किस तरह से वेरिएबल्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये था वेरिएबल्स, यहाँ पर हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया और यहाँ पर अब हमने एक स्ट्रिंग बनाया, बी इज इक्वल टू स्ट्रिंग बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने बी इज इक्वल टू जो वेरिएबल बनाया वो एक स्ट्रिंग था, तो इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग था और इसका जो डेटा टाइप था वो इंटीजर था। अब यहाँ पर हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी जावास्क्रिप्ट को कि हमें इंटीजर बनाना है या फिर स्ट्रिंग बनाना है, उसने ऑटोमेटिकली जो हमने दिया वो ले लिया। तो 78 एक इंटीजर था, हैरी एक स्ट्रिंग थी, हमने उसको बिना बताए इस बात को हमने अपनी जावास्क्रिप्ट को फीड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं डायनामिक टाइपिंग, ठीक है। तो डायनामिक टाइपिंग का क्या मतलब होता है, डायनामिक टाइपिंग का मतलब होता है कि आपको टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह हमने यहाँ पर बनाए ये सब चीज़ें, अब मैंने सी यहाँ पर डिफाइन नहीं किया था, लेकिन अगर मैं सी इज इक्वल टू 34.55 कर दूँ तो यहाँ पर देखो 34.55 आ गया है। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्रिंट करके दिखाई वैल्यूज़, उसी तरह मैं आप लोगों को ऑपरेटर्स के बारे में भी बताता हूँ, ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं इस चीज़ को देख लेते हैं। ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है हमारा यूनरी ऑपरेटर, दूसरा होता है हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर, और तीसरा ऑपरेटर नहीं होता, इनफैक्ट वो ऑपरेंड होता है, वो एक टर्म होता है। तो ऑपरेटर सिर्फ दो ही तरह के रखूँगा यहाँ पर, और आप लोग इसी के साथ साथ ऑपरेंड ऑपरेंड इसको देख लो क्या होता है, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर होता है वो ऑपरेटर जो कि सिर्फ एक
ऑपरेंड पे काम करता है। ऑपरेंड का क्या मतलब है, अगर मैंने यहाँ पर माइनस टू लिखा, ठीक है, अगर मैंने ये लिखा कुछ इस तरह से, थ्री प्लस फोर, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ थ्री प्लस फोर, इन थ्री प्लस फोर, प्लस इज द ऑपरेटर एंड थ्री और फोर इज आर ऑपरेंड्स, तो तीन चार जो है वो ऑपरेंड्स हैं और जो प्लस है मेरा वो क्या है, वो ऑपरेटर है। तो इस तरह से आप लोग जो है ऑपरेटर और ऑपरेंड में आई होप कि समझ गए होंगे क्या डिफरेंस है। जो थ्री प्लस फोर लिखते हैं जिसकी वैल्यू सेवन आती है, उसमें प्लस ऑपरेटर काम करता है और तीन और चार ऑपरेंड होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटाइटीज ऑन विच ऑपरेटर्स ऑपरेट, ठीक है। और यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर हमारा होता है इट हैज सिंगल ऑपरेंड। जैसे कि आप अगर माइनस मान लो लिखते हैं और उसके बाद आप लोग माइनस जीरो लिख देते हैं, ठीक है, या फिर आप माइनस लिख देते हैं 98, ठीक है, तो ये हमारा एक यूनरी ऑपरेटर है। अब यहाँ पर मान लो आपके एक्स की वैल्यू थी 5, ठीक है, तो आपने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो एक्स आपका क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक्स को कह दिया कि अब उसको माइनस में कर दो, यानी कि हमने यूनरी नेगेशन ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ज़रा ले लेते हैं जल्दी से यूनरी ऑपरेटर का। तो मान लो मेरे पास, मैंने लिख दिया यहाँ पर सी इज इक्वल टू माइनस सी, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूनरी ऑपरेटर्स इन एक्शन एग्जाम्पल। ऑफ यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पर देखो -34.55 प्रिंट हुआ। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने सी इज इक्वल टू माइनस सी ऊपर ही कर दिया था, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो पहले मेरा 34.55 प्रिंट होगा, फिर माइनस में वही चीज़ प्रिंट होगी। देखो पहले 34.55 फिर माइनस में वही चीज़ प्रिंट होगी। सो आई होप कि आपको यूनरी ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। उसी की तरह हमारे पास होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, और यहाँ पर टू ऑपरेंट्स होते हैं इसमें, एग्जैक्टली टू ऑपरेंट्स होते हैं, और एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स अगर मैं लिख दूँ कुछ इस तरह से, तो ये मेरे पास बाइनरी ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है। अब एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ उसका, मैं बाइनरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल हो गया सी इज इक्वल टू 456 + 8, और 456 + 8 होता है 464, और देखो 464 मेरा आ जाएगा अगर मैं प्रिंट करूँगा। मैंने प्रिंट नहीं किया, कंसोल डॉट लॉग सी करना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पर सेमी कोलन लगा लेना। अब एक चीज़ आपने देखी होगी, जब मैं सेमी कोलन नहीं भी लगा रहा हूँ तब भी जावास्क्रिप्ट हमको माफ़ कर देता है और बिल्कुल भी हमको एरर थ्रो नहीं करता इतनी छोटी बातों के लिए। तो इसलिए काफ़ी फॉरगिविंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, और इसका रीज़न ये है कि ये ब्राउज़र में इस्तेमाल होती है और ये चाहती नहीं है कि आप लोगों को एरर थ्रो करे बार बार, इसलिए इतनी फॉरगिविंग लैंग्वेज है। तो ये था हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर का एग्जांपल। अब बाइनरी ऑपरेटर ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स पर ही अप्लाई हो, ठीक है, वो आपके स्ट्रिंग पे भी अप्लाई हो सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, जो ऑपरेंड वाली बात लिखी हुई है मैंने, इसको सबसे ऊपर में ले आता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉग सी जहाँ जहाँ लिखा है उसको मैं ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा वैर नम वन इज इक्वल टू 56, वैर नम टू इज इक्वल टू 67, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये कर दिया वैर नम वन इज इक्वल टू 56, नम टू इज इक्वल टू 67, और ये करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ओपन करूँगा, मैं लिखूँगा द वैल्यू ऑफ, और मैं यहाँ पर लिखूँगा नम वन प्लस नम टू इज, और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि मैं स्ट्रिंग जोड़ दूँगा किस में, मैं स्ट्रिंग जोड़ दूँगा इस वैल्यू में, किस वैल्यू में, मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और लिख दूंगा यहाँ पर नम वन प्लस नम टू, नम वन प्लस नम टू। तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू लिखी और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, माइनस लगा दूंगा, माइनस की वैल्यू देख लेते हैं क्या है, फिर मल्टीप्लाई बाय लगा दूंगा, मल्टीप्लाई बाय की वैल्यू ये है, फिर डिवाइड लगा दूंगा, डिवाइड की वैल्यू ये है, ठीक है। सेव किया इस चीज़ को, और यहाँ पर देखो वो सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई जो कि हमारे इन ऑपरेटर्स से हमारी रिटर्न हुई है, ठीक है। तो मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन एक्शन इन जावास्क्रिप्ट,
ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यूनरी बाइनरी और ऑपरेंड के बारे में हमने देख लिया क्या होते हैं। तो ये हैं हमारे बेसिक ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट के अंदर, एंड आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब इसी के साथ साथ हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर भी होते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको टू द पावर लिख दूँ तो ये क्या करेगा मुझे, मैं इसको छोटा कर देता हूँ नंबर को थोड़ा, इसको टू कर देता हूँ, इसको थ्री कर देता हूँ, इसको नाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो टू टू द पावर नाइन ये मुझे देने वाला है और वो होता है 512। तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है हमारे पास, जैसे कि अगर मैं नम वन प्लस प्लस करूँ, मैं यहाँ पर नम वन प्लस प्लस करता हूँ, तो नम वन प्लस प्लस क्या करेगा, ये जो नंबर है इसको एक से इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है, इसमें एक जोड़ देगा। और प्रिंट क्या करेगा, लेकिन प्रिंट पुरानी वैल्यू करेगा। तो उसको कुछ आप ऐसे देख लो कि ये यहाँ पर आएगा वैल्यू ऑफ नम वन प्लस प्लस इज़, इस चीज़ को प्रिंट करेगा, फिर नम वन को प्रिंट कर देगा, फिर नम वन को इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। तो मुझे टू ही यहाँ पर प्रिंट होकर मिलेगा, देखो टू ही प्रिंट होकर मिल रहा है। लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसे किया होता, प्लस प्लस नम वन किया होता, तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है। तो मैं यहाँ पर प्लस प्लस लिख देता हूँ, तो जैसे ही मैं प्लस प्लस लिखूंगा तो क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा फिर प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर एक बार ऑलरेडी प्रिंट हो गया था, मैं अगर इसको कमेंट आउट करूँ तो आपको थ्री दिखेगा। तो यहाँ पर देखो आपको थ्री दिख रहा है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसकी वैल्यू पुरानी टू थी, ठीक है, जब ये लाइन नहीं थी, इसकी वैल्यू टू थी, उसमें पहले एक जुड़ी और फिर प्रिंट हुआ। लेकिन जब मैं ये भी लगा देता हूँ तब क्या हो रहा है, एक बार तो इंक्रीमेंट इसने किया, पहले प्रिंट हुआ, टू प्रिंट होगा या इंक्रीमेंट होकर थ्री हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होकर वापस फोर हो जाएगा और फिर फोर प्रिंट हो जाएगा। तो ये इस तरह से काम करते हैं हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर नम वन प्लस प्लस जैसे लिखा है उस तरह नम वन माइनस माइनस भी किया जा सकता था, तो वो भी मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो उस चीज़ को समझने में। तो आप यहाँ पर इसको माइनस माइनस करके भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो नम वन प्लस प्लस, नम वन माइनस माइनस, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर ये जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर वैल्यू कितनी है इसकी देख लेते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पर अभी चार है, तो चार है तो चार का चार प्रिंट हो जाएगा, लेकिन डिक्रीमेंट हो गई वैल्यू थ्री हो गई, फिर उसके बाद एक बार डिक्रीमेंट होगी वैल्यू, फिर प्रिंट होगा टू हो जाएगा, ठीक है, तीन माइनस वन दो। तो ये चीज़ आप लोगों को ट्राई रन करके खुद से देखनी होगी। और जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा कैलकुलेशंस वगैरह आप लोगों को इनिशियली जब आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैं बिट वाइज ऑपरेटर्स जो है उनको स्किप कर रहा हूँ। और हम लोग आगे जो है बात करेंगे स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो। कुछ भी आप अगर HTML वगैरह लेकर आते हो कहीं बाहर से, तो वो एक स्ट्रिंग ही होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और उस स्ट्रिंग के साथ किस तरह आप लोगों को स्लाइसिंग करनी है, किस तरह उस स्ट्रिंग के साथ आप लोगों को फंक्शंस वगैरह अप्लाई करके चेंजेस करने हैं, तो वो चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और आप लोग जो है इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेंगे अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करी है तो, क्योंकि ये वो प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैंने पूरा कोर्स अपलोड किया हुआ है। उसी के साथ साथ आप लोग बुकमार्क करें यहाँ ऊपर क्लिक करके, और यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लें प्लेलिस्ट को, ताकि ये प्लेलिस्ट आपकी अपनी हो जाए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, सोर्स कोड सारा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।